सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, हमारे बिट सेट का आपको जैसा कि पता है नाइन्थ आइट्रेशन का रिजल्ट आ गया। हमने गूगल फॉर्म फ्लोट करे थे, प्लस मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने गूगल फॉर्म्स फ्लोट करे थे। तो काफी ज्यादा बच्चों का, मेरे गूगल फॉर्म में आपको पास 400 प्लस स्टूडेंट्स का डेटा था। मैंने जिस एक बच्चे ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया उसकी हेल्प ली, उसकी गूगल फॉर्म में अराउंड 150 के आसपास डेटा था। तो टोटल 550 से 600 बच्चों का डेटा हमारे पास है, उसको हमने क्रंच करके एनालाइज किया है कट ऑफ को कि आपके पास बिट सेट की नाइन्थ आइट्रेशन की कट ऑफ लगभग क्या रहेगी। अगेन डिस्क्लेमर आई एम गिविंग कि इसमें आप प्लस माइनस 3 से 5 मार्क्स का गैप मान सकते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं आएगा। वैसे मैं हर बार प्लस माइनस 2 बोलता हूँ, प्लस माइनस 2 मार्क्स का हर बार की तरह आप इसके अंदर गैप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना गैप आ जाता है क्योंकि 3000 बच्चों को उनको एडमिशन देना और हमारे पास डेटा लगभग 700-800 स्टूडेंट्स या 600-700 स्टूडेंट्स का हर बार रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से लेकिन कट ऑफ काफी ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग। ऐसा आपने 8th आइट्रेशन में भी हमने करा, 7th आइट्रेशन में भी हमने करा और अब हम आपके सामने लेकर आ गए हैं 9th आइट्रेशन की कट ऑफ। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बनता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ आपके लिए चैनल पे पड़ा है, चैनल एक बार आप विजिट करके भी देख सकते हैं। इन चीजों को बनाने में यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा हार्डकोर काम है ये। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बनता है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो ठीक है, कट ऑफ अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो सीएस आपकी पिलानी की रही है 374, गोवा 353 और हैदराबाद 338। काफी ज्यादा ह्यूज ड्रॉप इस राउंड के अंदर आया, ह्यूज कट ऑफ के अंदर मैं बोल सकता हूं, काफी ज्यादा बिग ड्रॉप इस राउंड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी के पिलानी गई है 343, गोवा 319, हैदराबाद 310, 310, ट्रिपल ई आपके पास है 325, 300 एंड 287 इन रेस्पेक्टिव कैंपस। देन ENI आपके पास 315 फॉर पिलानी, 278 फॉर गोवा एंड 273 फॉर हैदराबाद। मैकेनिकल है आपके पास 287 पर पिलानी, 252 फॉर गोवा एंड 245 फॉर हैदराबाद। व्हाट अ ह्यूज ड्रॉप, मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था। केमिकल आपके पास पिलानी 243, गोवा 232 एंड हैदराबाद केमिकल बोल रहे हैं 217, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये किसी बच्चे ने मजाक करा है। 217 पे अगर वाकई में केमिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद कैंपस के अंदर मिला है तो कट ऑफ में काफी ज्यादा ड्रॉप है। ठीक है, बट ये डेटा हमारे पास गूगल फॉर्म के अंदर आया है तो क्रंचिंग में सबसे स्मॉलेस्ट निकला था 217 बिट लानी हैदराबाद कैंपस केमिकल इंजीनियरिंग, तो हमने लिख दिया। बट यहाँ पे मैंने डिस्क्लेमर दिया है, आई कांट बिलीव, मे बी इट्स नॉट ट्रू। बट अगर ये रहता है, अगर ये ट्रू नहीं होता तो गोवा का 232 केमिकल हैदराबाद, गोवा का 232 केमिकल ट्रू है तो हैदराबाद का केमिकल लगभग 225 के आसपास है। गोवा केमिकल के डेटा को देखते हुए ये चीज सही भी हो सकती है कि हैदराबाद केमिकल 217 पे रहा हो, बट मोर और लेस 225 से नीचे मतलब जाना इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट अगर गया है तो काफी ज्यादा ह्यूज कट ऑफ के अंदर ड्रॉप हुआ है। सिविल आपके पास पिलानी में 233 रही है, 229 आपके पास लगभग हैदराबाद में रही है, इसको 227 से 231 का वेरिएशन आप लगभग समझ सकते हैं। इको आपके पास रही है 304, 279, 270। एमएससी मैथ्स की कट ऑफ है, फिजिक्स की कट ऑफ है, केमिस्ट्री कट ऑफ है और एमएससी बायो की कट ऑफ है 246 फॉर पिलानी, देन 234 फॉर गोवा एंड 220 फॉर हैदराबाद कैंपस। तो मिनिमम मार्क्स आपके पास इस बार बिट्स पिलानी के अंदर या बिट्स के अंदर एंटर होने के लिए रहे हैं 217। अगर वो डेटा सही है तो 217 पे आपको मिला है केमिकल एट हैदराबाद कैंपस, एल्स ये डेटा एकदम सही है 220 पे आपको मिला है हैदराबाद का बायो साइंसेज। तो काफी ज्यादा यूज, ये कट ऑफ लास्ट ईयर लगभग 240 के आसपास था। ठीक है, तो 20 मार्क्स का लास्ट ईयर से इसके अंदर ड्रॉप आया, काफी ज्यादा यूज ड्रॉप है और ये ड्रॉप इसीलिए आया है कि आपकी बिट सेट के 6 आइट्रेशन जो है वो जोसा से पहले ही कंडक्ट हो गए, इसलिए आपके पास ये ड्रॉप देखने को मिला है। ड्रास्टिक ड्रॉप है, ऐसा ड्रॉप लास्ट बार 2017 के अंदर देखने को मिला था, उसके बाद सीधा अब देखने को मिला है। ठीक है, इतना ज्यादा ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं होता, बट अगेन ठीक है, इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी है, वो अपन किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना कि आपको बिट्स पिलानी में कौन सी ब्रांच मिली है, पिलानी गोवा हैदराबाद में से, और आपने फ्रीज कर दिया अभी एक बार फ्लोट करने का सोच रहे हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।